देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है अ वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन हैव अ वन रूट रूट इन कॉमन कॉमन यदि इस इक्वेशन का एक हो तो बी की वैल्यू बताओ कई बार इस तरह के क्वेश्चंस को आप इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर दो तो एक्स की वैल्यू मिल जाती पर दोनों में है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करेंगे तो क्या होगा एक और तरीका हो सकता है ऑप्शन रख के कर लें पर उससे कई बार टाइम बढ़ जाता है तो एक्स स्क्वे अपॉन बी स्क्वेर प्लस वन देन एक्स अपॉन माइनस वन माइनस बी एंड वन अपॉन वन माइनस बी राइट वन अपॉन वन माइनस बी तो एक्स स्क्वेयर एक तरह से आपको मिल गया बी स्क्वेयर प्लस वन अपॉन वन माइनस बी और एक्स मिल गया माइनस कॉमन ले लो तो वन प्लस बी अपॉन वन माइनस बी आप करना यह है कि x को इधर रख देंगे आप तो आपको आंसर आ जाएगा तो आप जब आप रखेंगे तो वन प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्र प्लस वन अपॉन वन माइनस बी एक फैक्टर देखिए कैंसिल हो गया वन प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू बी इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस वन इंटू वन माइनस बी मल्टीप्लाई करिए तो मिलेगा बी स्क्वेयर प्लस वन माइनस बी क्यूब माइनस बी देखिए बी स्क्र से बी स्क्र कैंसिल वन से वन कैंसिल तो अब ये क्वेश्चन इजी हो गया थ्री बी इक्वल टू माइनस बी क्यू या ऐसा भी बोल सकते हैं अब बी कॉमन ले लें तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी क्यूब प्लस थ्री बी इक्वल टू जीरो या बी कॉमन लिया तो बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अब बी की वैल्यू जीरो लेने पर तो एक रूट कॉमन हो ही जाएगा क्योंकि ये वाला तब है तो ये नहीं लेना और दिया भी नहीं ऑप्शन तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं बी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस थ्री यानी बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा तो या तो प्लस रूट थ्री आयोटा ले सकते हो या माइनस रूट थ्री आयोटा ले सकते हो तो दिस इज द राइट आंसर नोट कर लीजिए